हेलो गाइस, तो वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप सभी का अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग है बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ डाइस की। हम मिनिमम कम से कम टाइम के अंदर अराउंड 10 से 15 मिनट के अंदर हम पूरा डाइस को एक नज़र पर देख लेंगे कि डाइस से किसी भी एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं। अगर आप न्यू आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारे सामने आए हैं, पहली बार हमसे वीडियो देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। आप सभी लोग प्रियल मैम रीजनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर आपके सामने इस टाइप की शॉर्ट वीडियो आया करेगी। कम समय में आपको ज्यादा कुछ देने का प्रयास किया जा रहा है। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। वो टॉपिक लिखे आए जा रहे हैं यहाँ पे जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से कम एक से दो सवाल बनते ही बनते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक को, डाइस को। तो टॉपिक का नाम ही वही है, एक नजर में पूरा डाइस, मतलब एक नजर में पूरे पासे को हम समझेंगे। तो शॉर्ट में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डाइस किसी भी एग्जाम में अगर आप देखोगे तो अराउंड 2 से 3 मार्क्स का डाइस का टॉपिक आता है। ठीक है, बहुत कम का टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप लोग जो न्यू आज पहली बार पढ़ने वाले हैं, पहली बार डाइस को देख रहे हो, तो कॉपी में जरूर नोट डाउन करते जाए, क्योंकि इससे शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब डाइस जो होता है हमारे पास दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है हमारे पास जनरल डाइस। हिंदी में हम इसको बोलते हैं मानक पासा और इसको बोल देते हैं हम लोग सामान्य पासा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में मानक पासा के रूप में दे दिया जाता है और कभी कभी इसको सामान्य पासा भी। ठीक है, तो हिंदी में ही होते हैं। अब स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है? प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ? अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा? 7 के बराबर होगा, ये बोला जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे हम, जैसे मान लो ये हमारा डाइस है। ये क्या है? हमारा डाइस है। देखो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। डाइस हम लोग कैसे बनाते हैं? इस टाइप से बनाते हैं डाइस को, ऐसे बनाते हैं। अगर आप देखते होंगे डाइस, वो जो आप वो खेलते हो, लूडो खेलते हैं, डाइस ऐसा होता था। इस डाइस को हम शॉर्ट में कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। ये तो डाइस आपका हो गया। अब इतना बड़ा डाइस बार बार बनाएंगे, टाइम बर्बाद होगा, तो हम शॉर्ट में इसको ऐसे बनाते हैं। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 के बराबर है। मान लो डाइस है, डाइस का सरफेस दिख रहा है, उसमें क्या है? 4, 2 और 6 है। मतलब 4 के विपरीत क्या आएगा? 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 + 3 क्या होता है? 7 होता है। 6 के विपरीत क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब 6 का और 1 का सम क्या होता है? 7 होता है। और 2 के विपरीत हमेशा 5 आएगा, क्योंकि 2 और 5 का सम 7 होता है। तो यहां से एक बात ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स हो जाते हैं। कैसे? स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा फिक्स रहता है कि 2 के विपरीत 5 ही आना है, 4 के विपरीत 3 ही आना है, 6 के विपरीत 1 ही आना है। ये फिक्स होता है, क्योंकि इसमें विपरीत सतह का सम, विपरीत सतह पर योग जो होता है वो 7 के बराबर होता है। अपोजिट सरफेस का सम 7 के बराबर होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? अब दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग जनरल डाइस की तरफ। दूसरा हमारे पास जनरल डाइस, मतलब सामान्य पासा। अब इसमें से फर्क क्या होता है? इसमें क्या होगा? सम 7 तो होगा, पर इसमें 7 क्या होगा? अगल बगल वाले का सम 7 होगा। यहाँ पे तो विपरीत वाले का सम 7 था, यहाँ पे अगल बगल वाला दिख रहा है हम लोग को, उसका सम 7 होना चाहिए। 4 + 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये होता है आपका क्या? जनरल डाइस, सामान्य पासा। समझ में आया शायद आपको? बात कुछ बात क्लियर हुई होगी। इसमें क्या होगा आपका? एक दूसरे के अपोजिट वाला सम 7 होगा, इसमें क्या होगा? अगल बगल वाले का सम 7 होना चाहिए। तो पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक सबसे पहले यही है, अगर किसी भी डाइस का अगल बगल में किसी भी दो का, इस दो का, इस दो का, इस दो, किसी भी दो का सम 7 के बराबर है, तो वो जनरल डाइस ही माना जाएगा। तो ये बात पहली चीज है जो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पहला डिफरेंस है आपका। समझ में आ गया? अब आगे की तरफ चलते हैं। अब कुछ सवाल देखेंगे जो आप देखो, मेन बात यही थी इसके अंदर कि डाइस कौन कौन टाइप के होते हैं। आपको पहचानना है केवल कि डो कोई भी डाइस कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है? दूसरी बात का ध्यान क्या रखेंगे? इसमें विपरीत निकालने का मतलब क्या है? आप निकाल सकते हैं विपरीत, कैसे भी निकाल सकते हैं। मतलब 2 के अपोजिट 5 होगा, 4 के 3 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 होगा। पर यहाँ पे विपरीत कैसे निकालोगे? अब बताइए, अगर मैं पूछूं 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा, ये कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। दूसरी बात आपको ध्यान देने वाली क्या है कि हम जब भी हमें, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, जब भी हमें इसमें से जनरल पासे में से, अब सामान्य डाइस में से किसी का विपरीत निकालना होता है, तो कम से कम हमें 2 पासे की आवश्यकता होती है। मिनिमम 2 डाइस की हमें जरूरत पड़ती है, तभी हम किसी के विपरीत निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर केवल 1 पासा दे रखा होगा तो भी हम इसका विपरीत निकाल पाएंगे। तो ये आपका दूसरा डिफरेंस हो गया जनरल डाइस के बीच में और सामान्य पासे
पासा के बीच, या फिर जनरल डाइस के बीच में और मानक पासा के बीच में। क्लियर हो गया? इससे मिनिमम दो डाइस चाहिए, इसमें मिनिमम एक डाइस चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे की बात देखते हैं, एक बार आगे की चीज देखते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें बताती हूँ मैं आपको, जनरल डाइस और इसमें और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। बिल्कुल थोड़ी देर में, कम से कम मिनिमम 15 मिनट्स लगेंगे इस वीडियो को। 15 मिनट्स में आप पूरा के पूरा समझ जाएंगे कि किस टाइप से सवाल आते हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में। ओके, अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल क्या है आपका, देखो पहला सवाल दिया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन 6 3 2 5 4 1। अब आपको निकालना है 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या निकालना है 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा। पहला सवाल आपका ऐसे ही बनेगा 6 के अपोजिट। अब देखो ध्यान से देखिएगा चीज को, ध्यान से आपको देखना है, कहीं भी आपको दिख रहा है देखो, किसी भी अगल बगल का सम 7, 4 और 3 7, तो 6 और 3 9, 6 7 8, 5 4 9, 5 1 6, 4 1 5, मतलब किसी भी दो का सम 7 नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया, मतलब ये एक मानक पासा है। मानक पासा, मानक पासा में क्या होता है कि अपोजिट क्या होता है, अपोजिट वाले का सम 7 होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आएगा ऑलरेडी। ये इसका सही आंसर हो गया। इसमें हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, केवल चेक ये करना है क्या ये मानक पासा है या नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर मैंने बोल दिया आपको 1 2 3 निकालिए, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, सवाल आपके सामने 1 2 और 3, आपको निकालना है 5 के विपरीत क्या होगा। तो आपको पहले क्या ध्यान देना है, किसी भी बगल वाले का सम 7 नहीं है, तो ये क्या है आपका मानक पासा है। ये भी क्या है? मानक पासा है। मानक पासा में क्या होगा, अपोजिट वाले का सम 7 होगा, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या होगा आपका, 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसमें देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है 6 2 5 1 5 3। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अब आपसे पूछ लिया गया कि 3 के विपरीत क्या होगा, अगला सवाल है। तो इसमें आपको चेक करना सबसे पहले यही कि ये मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। देखो इसमें क्या है, 5 प्लस 2, देखो 7 हो गया, 5 प्लस 2 क्या हो गया, ये 7 के बराबर हो गया। किसी भी दोनों में से किसी भी एक में, जरूरी नहीं है हर किसी में ऐसा हो, इन दोनों में जो डाइस दे रखे हैं उनमें से किसी एक में भी ऐसा होता है तो मतलब वो एक मानक पासा ही है। ठीक है, तो क्या है 5 प्लस 2 7 हो गया, तो मतलब ये क्या होगा, सामान्य डाइस हो गया। सामान्य डाइस में क्या होता है, अब देखो सामान्य डाइस का हम कैसे निकालते हैं, सामान्य डाइस है क्योंकि इन दोनों का सम 7 के बराबर हो गया। अब इसका रूल क्या होता है, सामान्य डाइस का रूल क्या होता है, इसमें समझ में आ गया रूल क्या होता है, अपोजिट वाले का सम 7 होना चाहिए, बस ये इसका रूल होता है। पर इसमें, इसमें जनरल डाइस में या सामान्य, सामान्य पासा का रूल क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 5 कॉमन है केवल, 5 क्या है इन दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 को हमने लिखा। अब क्या करेंगे, 5 से हम घूमना चालू करेंगे घड़ी की दिशा में, 5 के बाद 2 और 6, 5 के बाद 2 और उसके बाद 6, क्या है क्लॉकवाइज, हमेशा याद रखिएगा क्लॉकवाइज ही हम घूमेंगे घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में हमें घूमना होगा इसके अंदर। ओके, सेम ऐसे घूमेंगे इसके अंदर, 5 से शुरुआत करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमिए, 5 1 और 3। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब है 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, 6 के विपरीत 3 हो जाएगा, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, जो इसमें नहीं है। इन दोनों में क्या नहीं है, 1 है 2 है 3 है 4 नहीं है, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? 3 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 4 और 1 के अपोजिट 2, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कैसे किया हमने, हमने इन दोनों में जो एक चीज कॉमन, ध्यान दीजिएगा हमेशा उसी को ध्यान देंगे जिसमें एक चीज कॉमन हो, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 को उठाया और इस टाइप से हमने घुमा दिया, तो हमारा आंसर ये आ गया। समझ में आया आपको चीजें? तो ये बात हो गई, अगर हमारे पास मानक पासा है, अगर हमारे पास मानक पासा है तो हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास सामान्य पासा है, सामान्य पासा है तो हम इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा,
केवल शॉर्ट एंड स्वीट में आपको पूरा डाइस समझ में आएगा कि कोई भी डाइस का सवाल हम किस टाइप सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और देखिएगा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4th आपके सामने। 6 1 3 3 4 2, अब बताइए इसका जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले चेक करोगे ये पासा है कौन सा। 6 + 1 = 7 हो गया, साफ सी बात है ये क्या है, एक आपका सामान्य पासा है। सामान्य पासा है, सामान्य पासे में क्या देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 को उठाया, घड़ी दिशा में घूम गए, 3 6 1, 3 उठाया दिशा में घूम गए, 3 2 4। अब क्या है, 1 के विपरीत 4 हो गया, 6 के विपरीत 2 हो गया, 3 के विपरीत जो फिगर में नहीं है 5। ये इसका सही आंसर हो गया, ये इसका आपका सही आंसर हो गया। एक सवाल और देखते हैं, एक और बहुत कॉमन सवाल है जो आपके एग्जाम्स में आता है। ये तो हो गया 2 डाइस वाला। एक सवाल आता है इसमें आपको 2 3 4 5 6 इस टाइप दे रखे होते हैं, मतलब 2 से अधिक दे रखा होगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आ जाए इसमें आपको 2 से अधिक का कोई सवाल दे रखा होगा तो उसको कैसे करेंगे, ये वो भी देखते हैं। मोर देन 2, जब आपके पास मोर देन 2 डाइस वाला सवाल आए, मोर देन 2 डाइस का सवाल, तो आप इसको किस टाइप से करेंगे वो देख लेते हैं। सवाल देखते हैं आपके सामने, ये रहा 1 2 3 5 4 6 3 4 और 5। इसमें मैं आपको 2 कंसेप्ट सिखाऊंगी, इसके अंदर भी आपको 2 कंसेप्ट सिखा दूंगी। इसके अंदर भी आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि आपसे मैं पूछ रही हूं कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या होगा ये मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। अब देखो 3 डाइस दे रखे हैं इसके अंदर, कैसे करेंगे इस डाइस को, ध्यान दीजिएगा। हमें कोई भी 2 डाइस चुनने हैं, कोई भी 2 डाइस। पहले आप इसमें भी चेक कर सकते हैं कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। अब देखो 4 और 3 सम क्या है, 7 है, मतलब ये एक सामान्य पासा है। क्या है? सामान्य पासा है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब भरते अपने आगे तरफ, कोई भी 2 डाइस देखे जिसमें 1 नंबर कॉमन, चलो इन दोनों को देखते हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ कॉमन ही नहीं है। इन दोनों को देखते हैं 1 2 3 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है दोनों में, 3 ये रहा 3 ये रहा। वही घूमना चालू करते हैं, 3 उठाया, 3 के बाद 1, फिर 2, फिर 3 5 और 4, 3 5 और 4। ये बात समझ में आ रही होगी, हम घूम ऐसा क्यों रहे, ऐसे क्यों नहीं घूम रहे, क्योंकि हमेशा हमें क्लॉकवाइज ही घूमना है। घूमना कैसे है? क्लॉकवाइज ही हमेशा घूमना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। अब बताना है आपको 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा जो फिगर में नहीं है। अब फिगर में क्या नहीं है, 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, फिगर में सारे हैं, तो फिगर में क्या नहीं है। अब ये बात ध्यान रखने वाली बात है, फिगर में क्या नहीं है, 6 नहीं है, फिगर में क्या नहीं है, 6 नहीं है। क्यों? हमने डाइस कौन से लिए, 1 डाइस ये लिया है, 1 डाइस ये लिया है, इन दोनों डाइस में क्या चीज नहीं है, 6 नहीं है, 6 बीच वाले में जो हमने लिया ही नहीं। तो हमेशा हमें क्या नहीं है वो कैसे देखना है, कि कौन से 2 डाइस लिए हैं उनमें से क्या चीज नहीं है, इस बात को हमें ध्यान देना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको दिमाग में रखनी है। बहुत बच्चे क्या देंगे इसका आंसर, 7 देंगे कि 7 हो जाएगा, कि 7 फिगर में नहीं है, पर आपको ये बात ध्यान देनी है फिगर में क्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो डाइस हमने 2 उठाए हैं, कोई भी 2 डाइस, उसके उनमें क्या चीज क्रिसिंग है, वो चीज हमें ध्यान देनी है। तो ये था आपका क्लोज डाइस का पूरा के पूरा कंसेप्ट। इसके अलावा डाइस के अंदर कुछ भी नहीं है, यही आपके, अब देखो यहां से 3 को उठा के 4 कर देंगे, लेकिन बात वही रहेगी, हमेशा हमें 2 डाइस ही उठाने हैं जिसमें 1 नंबर कॉमन हो। अगर 6 दे देंगे, 10 दे देंगे, 100 दे देंगे, कितने भी दे दीजिए, पर काम में वही करना है, कोई भी 2 डाइस उठाने हैं जिसमें 1 नंबर कॉमन हो, उससे हम लोग सारे सवाल निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, आपने कुछ नई बात सीखी होंगी डाइस के सवालों को निकालने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे नए थे, आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। रियल मैम रीजनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको पसंद आया, आपने कुछ नया सीखा हो, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, कल वापस से मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, एक नई चीज के साथ। टेक केयर, बाय बाय।